हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता श्रीवास्तव। मैं आपके लिए आज कढ़ाई पनीर की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन मानिए, इस तरह से एक बार आप अगर कढ़ाई पनीर बनाएंगे तो बार बार आप बनाना चाहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कढ़ाई पनीर की रेसिपी। कढ़ाई पनीर शुरू करने के लिए सबसे पहले हमको एक कढ़ाई मसाला बनाना होता है। तो कढ़ाई मसाला के लिए हमको धनिया चाहिए चार भाग। मतलब चार भाग का मतलब जितनी धनिया लेंगे उसका एक भाग हम जीरा लेंगे। मतलब एक भाग जीरा, चार भाग धनिया। जैसे आपने एक चम्मच जीरा लिया है तो चार चम्मच धनिया, एक चम्मच सौंफ मोटी वाली, चार लाल मिर्च, 15 से 20 दाने काली मिर्च। इसको हम अच्छे से लो फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। देखिए, हमारा ये लो फ्लेम पे अच्छे से भुन गया है, इसमें से अच्छी सी महक आ गई है। अब हम इसको मिक्सर में, चाहे आप इसको खलर बट्टे में कूट लीजिए और चाहे मिक्सर ग्राइंडर में दो बार हल्का सा चर्न करके दरदरा पीस लीजिए। ये देखिए, मैंने मसाले को अच्छा दरदरा पीस के रख लिया है। आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। जब भी आपको कढ़ाई पनीर, कढ़ाई मशरूम, कोई भी कढ़ाई वाली सब्जी बनानी हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने कढ़ाई पनीर बनाने से शुरू करने से पहले हमने एक कढ़ाई में ऑयल डाला है। ऑयल को गर्म नहीं करेंगे, ठंडे ऑयल में एक तेज पत्ता, एक बड़ी इलायची, दालचीनी और दो लौंग, इसको हम डाल के तेल ऑयल गर्म नहीं करेंगे और इसको हम डाल देंगे, फिर हम ऑयल गर्म होने देंगे। अब देखिए, ऑयल गर्म हो गया है। इसमें हमने एक बड़े साइज की प्याज ली है, इसको हमने चॉपर में अच्छे से चॉप कर लिया है। अब हम इसको इसमें डालेंगे। अब प्याज को अच्छे से भूनेंगे। इसी समय हम इसमें एक चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको हम गुलाबी होने तक खूब अच्छे से भूनेंगे। कम से कम 2 या 3 मिनट इसको भूनने में लगेगा। तो जब तक हमारा ये प्याज फ्राई हो रहा है, तब तक चलिए हम सूखे मसाले तैयार कर लेते हैं। सूखे मसाले में आधी चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर बहुत जरा सा लेना है, सिर्फ अच्छे कलर के लिए। एक चम्मच भर के एक या डेढ़ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर, दो बड़े चम्मच धनिया पाउडर। ये हमको सूखा मसाला इतना लेना है और इसी भुनते हुए प्याज में ये सूखे मसाले को डाल देना है कि जिससे कि जब तक ये प्याज भुनेगी तो मसाले भी हमारे अच्छे से भुन जाएंगे। और इसको हमको 2 मिनट तक लगातार भुनना है। देखिए, अब हमारा ये प्याज लगभग भुन गया है। देखिए, ऑयल छोड़ दिया है प्याज ने। अब इसमें हमने ये 2 टमाटर फाइनली मिक्सी में ब्लेंड करे हुए पिसे हुए लिए हैं। आप चाहें तो टमाटरों को चॉप करके भी ले सकते हैं। अब जब ये प्याज देखिए हमारी इतने अच्छे से, देखिए कितने अच्छे से भुन गई है, इस स्टेज पे हम इसमें टमाटर डाल देंगे। और क्योंकि अब टमाटर डाला है तो जानते हैं फिर नमक तो जाएगा ही, तो इसमें अपने स्वाद के अनुसार नमक। तो देखिए, जब तक ये हमारा प्याज टमाटर भुन रहा है, इसकी आंच को लो कर देते हैं। तब तक हम साइड में एक पैन चढ़ाते हैं। पैन में हमने ये ऑयल लिया है, ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो गया है। अब देखिए, कढ़ाई पनीर के लिए ये हमने 2 प्याज को देखिए ऐसे चौकोर चौकोर स्क्वायर शेप में काट लिया है। अब इस प्याज को हम इस ऑयल में डालेंगे। इसके साथ देखिए, हमने ये एक शिमला मिर्च ली है बड़े साइज की, इसको भी हमने ऐसे देखिए चौकोर चौकोर स्क्वायर शेप में काट लिया है। प्याज के साथ हम इसको भी इसमें डाल देंगे। दोनों को अच्छे से फ्राई करेंगे। ये मैंने 300 ग्राम पनीर ली है। ये मैं 300 ग्राम पनीर के हिसाब से आपको सारे सामान का रेशियो बता रही हूँ। आप पनीर कम ज़्यादा करें तो सामान की क्वांटिटी भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब प्याज और शिमला मिर्च को हम ऐसे थोड़ी देर रोस्ट होने लेंगे। वैसे कढ़ाई पनीर में प्याज और शिमला मिर्च का क्रंची क्रंची टेस्ट आता है, बहुत गलाया नहीं जाता है। फिर थोड़ा सा आधे मिनट फ्राई होने के बाद हम इसमें देखिए, मैं 300 ग्राम पनीर को इसको मैंने बॉईल कर लिया है नमक के पानी में। आप चाहें तो बॉईल करें और चाहें तो ना बॉईल करें। अब इसी पनीर को मैं इसमें डाल देती हूँ।
इसमें इस स्टेज पे ये जो हम लोग ने कढ़ाई मसाला बनाया था, 2 चम्मच भर के कढ़ाई मसाला हम इसमें डाल देंगे, प्लस आधी छोटी चम्मच से भी कम हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक आपने मसाले में भी डाला है सिर्फ स्वाद के लिए कि पनीर शिमला मिर्च और प्याज में नमक जो है वो अच्छे से मिल जाए। अब देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है इसको तो ऐसे ही खा लो। अब इसको 2 मिनट तक हम ऐसे ही मीडियम आंच पे भूनेंगे। अब देखिए ये हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, प्लस जो हमने ये पनीर शिमला मिर्च देखी ये हमारी ये भी देखिए अच्छे से भुन गई है। अब हमको क्या करना है, मसाला अच्छे से भुन गया है, ये भी अच्छे से भुन गई, अब हमको इसमें ये पनीर शिमला मिर्च प्याज को मसाले में ट्रांसफर कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। प्लस अब इसमें एक चीज और पड़ेगी, कसूरी मेथी 2 चम्मच भर के, ये मैंने कसूरी मेथी को जब भी डालिए तो पहले उसको तवे पे हल्का सा भून लीजिए और तब डालिए, फिर देखिए इस कसूरी मेथी को हल्का सा हाथ पे, इससे इसकी महक और स्वाद बहुत अच्छा आता है। अब इसमें हम बहुत जरा सा सिर्फ 2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, सिर्फ 2 चम्मच, क्योंकि कढ़ाई पनीर बहुत ग्रेवी वाली हम नहीं बना रहे हैं। अगर आप ग्रेवी डालना चाहें तो इसी में आप पानी ज़्यादा डाल के और आप ग्रेवी वाली कढ़ाई पनीर बना लीजिए, लेकिन कढ़ाई पनीर हल्की नुटपुटी ही अच्छी लगती है। तो लीजिए हमारी कढ़ाई पनीर बन के तैयार है, इसको मैंने ऊपर से थोड़ा कसूरी मेथी से गार्निशिंग कर दी है, और अब इसको आप पराठे से खाइए, पूड़ी से खाइए, चाहे रोटी से खाइए। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के बगल में बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बाय।